गाइस वेलकम टू द कार शो। आज आपके सामने है ऑल न्यू 2022 महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक। महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक के अंदर आपके यहाँ पे दो वेरिएंट्स ऑफर किए जाते हैं। पहला आपको मिल जाता है S और दूसरा आपको यहाँ पर इसमें मिलता है S11। ये वाली आप S11 टॉप वेरिएंट देख रहे हैं जिसका कि एक शोरूम प्राइस है 15.49 लाख रुपीज, और बेस वेरिएंट की अगर बात करते हैं तो उसका एक शोरूम प्राइस है 11.99 लाख रुपीज। तो आज की इस वीडियो के अंदर ना आपके यहाँ पे डिटेल में सब कुछ पता लगने वाला है कि आपके यहाँ पे S11 वेरिएंट के अंदर स्कॉर्पियो क्लासिक में क्या क्या ऑफर किया जाता है। इसके अगर इंजन की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें मिल जाता है 2.2 लीटर का डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 130 पीएस की पावर और 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क। बाकी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही आपको ये मिलता है। कोई भी ऑटोमेटिक या 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन आपको यहाँ नहीं मिलेगा, 2 व्हील ड्राइव के अंदर ये आती है। बाकी हाइड्रोलिक्स आपको यहाँ इस पे दिए जा रहे हैं जो कि आपको स्कॉर्पियो N और साथ ही XUV700 दोनों के अंदर ही ऑफर नहीं किए जाते हैं। यहाँ पे आपको पूरी इंसुलेशन वगैरह इस पे मिल जाती है, बाकी ऐसा कुछ यहाँ पे आपको पूरा इंजन इसका मिल जाता है। बाकी ना इसको कर देते हैं बंद, यहाँ पे आपको बोनेट स्कूप इस पे दिया गया है। और बात कर लेते हैं कार के फ्रंट प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस पे कुछ इस तरह की इसकी फ्रंट ग्रिल देखने को मिलती है, नए वाला महिंद्रा का लोगो आप इसके बीच में देख सकते हैं। क्रोम इंसर्ट्स आपको यहाँ पर इस पे दिए जा रहे हैं। हेडलैम्प की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें हेलोजन बेस्ड हेडलैम्प्स ऑफर किए जाते हैं। लो बीम के लिए आपको यहाँ प्रोजेक्टर मिलता है, हाई बीम के लिए आपको यहाँ रिफ्लेक्टर बेस्ड हेडलैम्प भी ऑफर किया गया। नीचे आपको यहाँ पे साइड टर्न इंडिकेटर भी मिल जाएगा, साथ ही आपको यहाँ पे LED DRLs भी मिल जाती है इस कार के अंदर। फॉग लाइट्स भी यहाँ पे आपको इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर ऑफर की जाती हैं। बाकी ओवरऑल फ्रंट प्रोफाइल का लुक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रे कलर के अंदर ना बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रही है कार फ्रंट से। एंड जैसा कि आप सभी को पता है कि मस्कुलर तो ये हमेशा से ही रही है कार, तो लुक्स में हमेशा से ही ये कार सबको पसंद आती रही है। कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा आपकी कार के लिए एक बहुत ही बढ़िया कार परफ्यूम के बारे में, जो कि है इन्वॉल्व का क्रश जेल कैन। इसकी अगर फ्रेग्रेंस की बात करें ना तो यहाँ पर आपको इस परफ्यूम से बहुत ही ज्यादा बढ़िया सी रेड बेरीज की और स्ट्रॉबेरीज की मिक्स टाइप की फ्रेग्रेंस मिल जाती है, जो कि आपको एक बहुत ही ज्यादा प्लेजेंट और रिफ्रेशिंग एहसास दिलाने वाली है आपके कैबिन के अंदर। तो जरूर से जाकर इसे बाय कर लें, लिंक आपको इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी अगर बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड में आपको यहाँ पर इस पे देखने को मिल जाते हैं इसके 17 इंचेस के डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जिनका कि डिज़ाइन कुछ इस तरह का आपको यहाँ मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पर इसमें मिल जाता है नए वाला महिंद्रा का लोगो। टायर प्रोफाइल आपको यहाँ पर इसमें मिलती है 235/65R17। फ्रंट टू डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पर इस पे दी जाती है, पीछे की साइड पर आपको ड्रम ब्रेक्स ही मिलती है। साइड टर्न इंडिकेटर आपको यहाँ पर इसके फेंडर लाइनिंग के ऊपर ही दिया गया, साथ यहीं पर आपको इसमें M हॉक की भी बैचिंग मिल जाती है। ओवर वीएम्स को आप यहाँ पे इस वेरिएंट के अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हैं, बट फोल्ड आपको इनको यहाँ पे मैन्युअली ही करना पड़ेगा। डोर हैंडल्स आपको यहाँ पे इसमें बॉडी कलर्ड ऑफर किए जाते हैं। एंड ओवरऑल साइड प्रोफाइल का लुक आपको यहाँ पे इस कार का कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। ऊपर आपको यहाँ पे रूफ रेल्स दी जाती हैं, आगे आपको यहाँ पे नॉर्मल टाइप का एंटीना मिलेगा। एंड इस कार की हाइट काफी ज्यादा है, तो बॉडी रोल वगैरह तो आपको यहाँ पे मिलता ही है स्कॉर्पियो के अंदर, बट ये नए वाली क्लासिक के अंदर थोड़ा सा उसे यहाँ पे कम कर दिया गया है। यहाँ पर आपको इसे मिल जाती है स्कॉर्पियो की बैचिंग एंड कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे पूरा डिजाइन इसके डोर्स पे मिल जाता है। बाकी अब बात कर लेते हैं इस कार के बैक प्रोफाइल के बारे में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इसमें कुछ इस तरह की इसकी LED टेल लैंप्स ऑफर की जाती हैं, जो कि आती है रिवर्स पार्किंग लाइट और साथ ही साइड टर्न इंडिकेटर के साथ। ऊपर आपके यहाँ पर रिफ्लेक्टर दिया गया, यहाँ पर आपको इसमें रियर वाइपर वॉशर डिफॉगर तीनों चीजें मिल जाएंगी। ऊपर आपको वहाँ स्पॉयलर भी मिल जाएगा। एंड ओवरऑल बैक प्रोफाइल का लुक आपको यहाँ पे कार का कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। सेंटर में आपको यहाँ पर इस पे दिया गया नए वाला महिंद्रा का लोगो, ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की बैचिंग आपको यहाँ मिल जाती है, और S और S11 दो ही वेरिएंट्स आते हैं इस कार के अंदर। नीचे आपको दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, साथ ही आपको यहाँ दो रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं, और ना यहाँ पे आपको फुटरेस्ट भी मिल जाता है कार के अंदर इजीली चढ़ने के लिए। और अब एक बार चल लेते हैं कार के अंदर एंड चलकर चेक कर लेते हैं इसके इंटीरियर्स भी। तो ये गाइस इस कार का ड्राइवर साइड डोर पैड, जिसके अंदर की आपको यहाँ पे सिंगल टोन बेज कलर का ही पूरा यूज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको थोड़े से ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं, विंडो के स्विचेस आपको यहाँ दिया गया, डोर हैंडल आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिलेगा। नीचे आपको स्टोरेज पे साथ ही एक स्पीकर मिल जाता है। डोर ओपनिंग की बात करें तो ये वाला डोर जो है काफी ज्यादा वाइड ओपन हो जाता है कार के अंदर एंटर एग्जिट करने में। आपको यहाँ पे फ्रंट सीट पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर आती है आपको यहाँ देखने को मिलती है मैनुअल एडजस्टमेंट के साथ इसकी ड्राइवर साइड सीट, जिसकी आप यहाँ पे हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और कुछ ऐसा आपको यहाँ पे फर्स्ट लुक मिल जाता है इस कार के कंप्लीट इंटीरियर्स का। और अब कीज की बात करें तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की लॉक अनलॉक और हॉर्न के बटन के साथ कीज ऑफर की जाती है। फ्लिप की आपको यहाँ पर इसमें दी जा रही है, और नए वाला महिंद्रा का लोगो आप यहाँ पे इसका देख सकते हैं। दूसरी की के ऊपर आपके यहाँ पे कोई भी कंट्रोल्स नहीं दिए जाते हैं। बाकी अब एक बार कर लेते हैं कार का इग्निशन ऑन। आपको यहाँ पे इसमें मिलता है की को इंसर्ट करने के लिए एरिया। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह का पूरा ब्लू इल्यूमिनेशन के साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। सेंटर में आपको
यहाँ पर मिल जाती है MID स्क्रीन, राइट में आपको दिया गया स्पीडोमीटर, लेफ्ट में आपको मिल जाता है इसका RPM मीटर। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो यहाँ पर आपको इसके अंदर फुली लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील ऑफर किया जाता है, जिसके ऊपर की आपको सबसे सेंटर में देखने को मिलेगा नए वाला महिंद्रा का लोगो। यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक इंसर्ट्स दिए गए, मीडिया कंट्रोल्स आपको यहाँ मिल जाते हैं और क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स आपको यहाँ दिए गए हैं। पीछे आपको यहाँ हेडलैम्प के लिए टॉगल मिलता है और इस साइड पर आपको मिल जाता है वाइपर के लिए टॉगल। बाकी स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट की अगर बात करें तो इसे आप यहाँ पर टिल्ट वे में एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक ऑप्शन आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। और स्टीयरिंग के राइट पर आपको यहाँ पर एक एसी वेंट मिल जाएगा, नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है ओवर वीएम एडजस्टर, साथ ही आपको हेडलाइट लेवलर मिलता है, यहीं से आप इसकी फ्यूल लाइट को भी ओपन कर सकते हैं और रियर डिफॉगर का भी स्विच आपको यहीं पर इसमें दिया गया है। डैशबोर्ड लुक की अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसा आपको कंप्लीट डैशबोर्ड लुक मिल जाता है, ड्यूअल टोन ब्लैक एंड पेज कलर के अंदर आपको यहाँ पे पूरे इंटीरियर इस कार में ऑफर किए जाते हैं। सेंटर में आपको यहाँ पे दो एसी वेंट्स मिलते हैं, नीचे आपको यहाँ पर दिया गया एक 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, बेसिकली आपको यहाँ पे एक एंड्रॉइड सिस्टम ऑफर कर रही है महिंद्रा इस टॉप एंड वेरिएंट के अंदर, कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इसका पूरा इंटरफेस देखने को मिलेगा। बाकी मेरे हिसाब से तो पहले वाला जो आता था मतलब नॉर्मल स्कॉर्पियो के अंदर वो ज्यादा बढ़िया था, एंड्रॉइड तो ये नॉर्मल वैसे आफ्टर मार्केट आप लगवा ही सकते थे। बाकी ना यहाँ पर आपको इसमें थोड़े वुडन फिनिशिंग टाइप का भी एरिया देखने को मिलेगा, बाकी प्लास्टिक ही है, ये वुड पार्ट नहीं है, बट थोड़ा सा इसका डिजाइन कुछ उस तरीके का है। नीचे आपको यहाँ एसी कंट्रोल्स मिलते हैं एंड फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल यहाँ पर आपको इस कार में ऑफर किया जाता है। हजार्ड लाइट का स्विच आपको यहाँ मिल जाता है, साथ आपको यहाँ पर इसमें दिए गए ऑटो इंजन ऑन ऑफ का स्विच, 12 वॉट्स का पावर सॉकेट आपको यहाँ मिल जाएगा, स्टोरेज स्पेस दी गई एंड यहाँ पर आपको इसमें कुछ इस तरह का मिलता है इसका गियर लेवल। एंड इसमें ना रिवर्स गियर लगाने पर आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवर्स पार्किंग सेंसर्स की ही साउंड सुनने को मिलेगी, ना ही आपको यहाँ पे कैमरा का डिस्प्ले और साथ ही ना ही आपको यहाँ पे पार्किंग सेंसर्स का डिस्प्ले देखने को मिलता है इस कार के अंदर। पीछे आपको यहाँ पर इसमें मैट एरिया दिया गया जहाँ पे कि अपना फोन या वॉलेट वगैरह रख सकते हैं, स्लिप नहीं होगा। बाकी यहाँ पर आपको इसमें दो बॉटल होल्डर्स मिल जाते हैं, साथ आपको हैंड ब्रेक दी गई है। सीट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर आपको इस कार के अंदर कुछ इस तरह की फैब्रिक के अंदर बेज कलर में सीट्स ऑफर की जाती हैं, जो कि ना ओवरऑल आपको एक डिसेंट कंफर्ट प्रोवाइड कर देती हैं, कुछ इस तरह की आपको यहाँ पे इसमें सीट्स मिल रही हैं। बाकी अगर बात करते हैं सेफ्टी की तो यहाँ पर आपको इस कार में ड्यूल एयरबैग्स ABS लिबर्टी एज स्टैंडर्ड ऑफर किए जा रहे हैं, पर पहले वाली जो स्कॉर्पियो का टेस्ट हुआ था ग्लोबल एनकैप में उसमें उस कार ने 0 स्टार स्कोर किए थे, बाकी स्ट्रक्चर इस कार का भी पूरा का पूरा वही है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये कार भी 0 ही स्कोर करेगी। बाकी ना यहाँ पर आपको इसमें कुछ इस तरह के वुडन इंसर्ट्स और भी दिए गए, नीचे आपको यहाँ पर इसका ग्लव बॉक्स मिल जाता है जो कि आता है कुछ इतनी स्टोरेज स्पेस के साथ। स्कॉर्पियो की बैजिंग आप वहाँ पर इसकी देख सकते हैं, एसी वेंट आपको दिया गया, ऊपर की साइड पर आपको यहाँ सनसीट के अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है। सेंटर में आपको दिया गया मैनुअल डे एंड नाइट IRVM, यहाँ पर आपको इसमें सनग्लास होल्डर भी ऑफर किया जाता है और इस साइड सनसीट के अंदर आपको यहाँ पर कुछ भी ऑफर नहीं किया गया। रूफ लाइट की अगर बात करें तो रूफ लाइट आपको यहाँ पर इसमें मिलती है एंड हेलोजन के अंदर ही आपको यहाँ पर ये प्रोवाइड की गई है। बाकी एक्सटीरियर बॉडी का ऑप्शंस की बात करें तो वो आपको यहाँ पर इस कार में काफी सारे मिल जाते हैं, जो कि अब आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और ना अब चल लेते हैं इस कार की बैक सीट में एंड चलकर चेक कर लेते हैं इस कार का बैक सीट कंफर्ट। तो गाइस इस कार का बैक डोर जो कि आपको सेम मिल जाता है फ्रंट डोर की तरह ही सिंगल टोन पूरा का पूरा पेज कलर के अंदर, यहाँ पे आपको थोड़ी सी इसमें फैब्रिक फिनिशिंग मिल जाएगी। पावर विंडो का स्विच दिया गया, मोबाइल होल्डर मिलता है, नीचे आपको बॉटल होल्डर भी इस पे दिया गया, बाकी ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे कुछ ऐसा मिलता है, डोर हैंडल आपको यहाँ ऐसा दिया गया और यहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिशिंग इसमें पूरी मिल जाएगी। और अगर बात करते हैं डोर ओपनिंग की तो ये वाला डोर जो है काफी ज्यादा वाइड ओपन हो जाता है कार के अंदर, बैक सीट पे भी एंट्री एग्जिट करने में आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अंदर आती है आपको यहाँ पे देखने को मिलती है कैप्टन सीट्स, ये पर्टिकुलर वेरिएंट आप कैप्टन सीट्स वाले देख रहे हैं, बेंच वाला भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। एडजस्टेबल टाइप का हेडरेस्ट आपको यहाँ मिल रहा है, सेपरेट आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट भी इस पे दिया जा रहा है एंड काफी बढ़िया कंफर्टेबल सीट्स आपको यहाँ पे इसमें ओवरऑल मिल जाती हैं। बाकी ना अंदर बैठते हैं एक बड़ी कार के एंड यहाँ से आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड व्यू देखने को मिलेगा कार का जो कि ना काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है। ऊपर की साइड पे आपको रूफ लाइट मिलती है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस साइड पर भी आपको यहाँ पे एक रूफ लाइट इस पे दी गई है। एंड अगर बात करते हैं स्पेस की तो गाइस मेरी हाइट जो है वो 6 फीट एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वो मेरी नॉर्मल ड्राइविंग पोजीशन के हिसाब से सेट है और फिर भी मुझे इस कार के अंदर काफी अच्छा नी रूम लेग रूम और हेड रूम मिल पा रहा है। यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर मिलता है दोनों ही सीट्स के पीछे, मैप पॉकेट आपको यहाँ इस पे दी जा रही है, नीचे आपको यहाँ पे रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं, साथ ही आपको नीचे दो बॉटल होल्डर्स भी इसमें दिए गए। सेंटर में आपको यहाँ पे कुछ इतनी जगह मिल जाती है जहाँ पे कि आप सामान रख सकते हैं, वैसे तो ये जगह है पीछे जाने के लिए। बाकी बैक सीट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको इसके अंदर कुछ इस तरह की सीट्स मिल जाएंगी, दो एडजस्टेबल टाइप के हेडरेस्ट दिए गए हैं, साथ ही आपको आर्मरेस्ट भी सेंटर में मिल जाता है। थर्ड रो के अंदर आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है, ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, तो यूजली थर्ड रो के अंदर कोई भी आपको यहाँ पे आर्मरेस्ट वगैरह ऑफर नहीं करता, यहाँ पे आपको मिल रहा है तो ये काफी अच्छी बात है। सीट्स आपको यहाँ पे कुछ ऐसी मिलती है। स्पेस की अगर बात करते हैं तो सिर्फ बच्चे ही यहाँ पे आराम से बैठ पाएंगे, कोई इतनी खास जगह यहाँ पे नहीं मिल रही है।
और ना अब चल लेते हैं एक बारी कार के बाहर एंड चलकर चेक कर लेते हैं इस कार का बूट एरिया। तो गाइस इस कार के टेलगेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे इसमें मिलता है इसका ग्रैब हैंडल एंड ये साइडवेज ओपन होगा तो कुछ ऐसे ही इस साइड ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इसका पूरा पैड देखने को मिलेगा। स्पीकर्स आपके यहाँ इस पे दिए जा रहे हैं। स्पेस की अगर बात करें तो बिल्कुल भी बूट स्पेस आपके यहाँ पर इस कार में ऑफर नहीं किया जाता है। रियर सीट्स बाकी आप यहाँ पे इस पे फोल्ड कर सकते हैं पूरी की पूरी ताकि आप अपना बूट यूटिलाइज कर सकें। और जो ये विंडोज है ना इन्हें भी आप यहाँ पे साइड से ओपन कर पाएंगे। रूफ लाइट आपको यहाँ पर एक दी जा रही है जो कि आती है हेलोजन के अंदर। बाकी सीट्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। और ना यहाँ पर आपको इसमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं पुल टू ओपन के, तो एक इस साइड है और एक इस साइड है। तो जैसे हम इन्हें यहाँ पर ओपन करेंगे एक फ्यूल लिड यहाँ पे ओपन हो जाएगी और सेम एक दूसरी साइड पे हो जाएगी। ये वाली आपको यहाँ पे मिलती है डीजल के लिए और ये दूसरी साइड की अगर बात करें तो इस साइड पर आपको यहाँ पर इसमें मिल जाती है एड ब्लू के लिए। बाकी ना अब इसके टेल गेट को बंद कर देते हैं एंड बात कर लेते हैं इस कार के ऑन रोड प्राइस के बारे में। तो गाइस इस पर्टिकुलर कार महिंद्रा स्कॉर्पियो क्लासिक S11 वेरियंट का एक्स शोरूम प्राइस है 15.50 लाख रुपीज एंड ये ऑन रोड आपको चंडीगढ़ में पड़ेगी 17.30 लाख रुपीज की। तो गाइस आपको ये कार कैसी लगी मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और साथ ही ना आपको नीचे कमेंट सेक्शन में ही लिंक मिल जाएगा इन्वॉल्व के क्रश जेल कैन का, इसे जाकर जरूर से बाय कर ले ताकि आप भी मेरी तरफ अपनी कार के अंदर 45-50 डेज तक प्रेगनेंस का मजा ले सकें। बाकी अगर आप इस कार का कोई और वेरिएंट कंसीडर कर रहे हैं तो आपको उस पर्टिकुलर वेरिएंट का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी ये वाली वीडियो पसंद आई हो जरूर से वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।